ये टिड्डी किसकी है? बोलने बोल, ये तो मेरी है। मैं तो मेरी है। नो, इसको खोलना नहीं, इतनी पसंद है ना बच्चों को ये। खोलो पहले, मिठी दो लिप्स पे। लिप्स किधर है? लिप्स किधर है? ये लिप्स है। एक और, ओए एक और। चलो जाओ, बुबू की हुई है। मैं बॉल नहीं है। ये बॉल नहीं है मेरी। ये मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। शादी सीजन आ गया है। आज जी मैंने आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त रिकमेंडेशन देनी है, व्हाइट पेंसिल की और ब्लैक पेंसिल की। उससे पहले जी आप लोग ये वाला मेरा आउटफिट देखें और मुझे मशवरा दें कि ये मेहंदी नहीं है, मेहंदी का सिर्फ डिनर है फैमिली का, तो उसमें पहनने के लिए ये सिंपल तो नहीं ये सिंपल तो नहीं हो जाएगा। ये देखें, ये फ्रॉक ही है, इस तरह का लॉन्ग फ्रॉक है। और ये इसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड की ढोलकी पहना था, अगर आप लोग को याद हो ये पहना हुआ, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा आप लोग ये देखें, इस तरह देखें और इस तरह देखें, इस तरह थोड़ा फेस डल लग रहा है और इस तरह थोड़ा फेस खिला खिला लग रहा है। कलर्स इतना आप लोग के चेहरे को इन्हांस कर देते हैं ना, जो भी आप लोगों ने कलर पहनने, आप लोग यूं रख के देखा करें शीशे के आगे, आप लोग पता चल जाएगा। अच्छा कौन सा कलर पहन के मेरा मुंह बिल्कुल डल हो जाता है? मेरा मुंह ना ब्लू पहन के डल हो जाता है, स्काई ब्लू नहीं होता वो, जैसे मैं पहनती हूँ मेरा फेस एकदम डल हो जाता है। खट्टे पीले नीले हर रंग पहन लेती हूँ, लेकिन जब आसमानी रंग की बारी आती है ना तो मैं उससे बहुत दूर भागती हूँ, कि मुझे पता है मेरे पे सूट नहीं करना, इसलिए फिर मैं कहती हूँ जो सूट नहीं करता दफा करो। अच्छा मैंने वेट मशीन भी अपने पास रखी हुई है, कभी 60.9 वेट आ जाता है, कभी 61 इतना आ जाता है। जब सुबह सुबह उठ के वॉशरूम से फारिग होकर करती हूँ तो 59.9 भी कभी हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि 3 किलो ना और मजीद कम कर लूँ तो ना, लेकिन होना नहीं है, सर्दियाँ आ गई हैं। 3 दफ़ा चाय तो मस्ट होती है, चाय के साथ 1 बिस्किट भी लेना मस्ट होता है, फिर कुछ मीठे के साथ नमकीन भी लेना मस्ट होता है। अच्छा जो मेरा रिश्ता है दुल्हन के साथ वो है मामी का, मैं हूँ छोटी मामी, तो मामी के हिसाब से कपड़े पहने, लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनने, तो थोड़े से कढ़ाई शराई वाले गोचे वाले कपड़े पहनती होती है ना मामियाज। अच्छा हम लोग किधर थे? हम लोग व्हाइट ब्लैक पेंसिल किधर थे वो मैं लेके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि मेरे मेकअप पाउच में पड़ी हुई है। व्हाइट पेंसिल और ब्लैक पेंसिल मैं इनकी ले आई हूँ। अब मैं आप लोगों को पहले स्वाचेस दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को ब्रांड का नाम बताऊंगी, ठीक है? सिर्फ एक टाइम की है। इतनी क्रीमी है, इतनी सॉफ्ट है, आप लोगों ने बहुत ध्यान से इनको रखना है। ये देखिए इस तरह का स्वाच ना आपको कोई भी नहीं देता, पत्थर बन जाती हैं 2 महीने बाद भी। ये 2 महीने से मेरे पास है लेकिन अभी स्टिल मलाई की तरह है। ये देखिए ये इसकी निब है, ये देखिए फुल जेट ब्लैक, बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को इसका नाम बताती हूँ, ग्लो ब्यूटी की ब्लैक पेंसिल और व्हाइट पेंसिल है। इसका फॉर्मूला इतना कोई जबरदस्त है, इनसे मैंने गन पॉइंट पे फॉर्मूला पूछना है, फिर अपने ब्रांड में लॉन्च करके यही पेंसिलें बेचनी है। मजाक कर रही हूँ, इसका फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है। बाकी मैंने इनकी ज्यादा चीजें ट्राई नहीं की हूँ, कुछ चीजें जो मैंने ट्राई की मैंने सामने रख ली है, मैं आपको सब चीजों के बारे में बता दूंगी, बाकी आप लोग इनकी वेबसाइट पर खुद ही जाके देख लीजिएगा, ठीक है? जो मैंने ट्राई की है, जो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी वो जी ये 2 पेंसिल्स है। ओहो हो, क्या फॉर्मुलेशन है। अच्छा अब इसको कंपैरिजन करते हैं हाई एंड से। मैंने शनेल की पेंसिल ट्राई की, ठीक है, बेकार, इसके आगे बिल्कुल बेकार है। ना आंख में लगती है, ना इसका पिगमेंट है, और आंख को इतनी दर्द देती है ना, जिनकी सेंसिटिव आंख है, यू रगड़ी जाओ, कुछ लगता ही नहीं है तो फायदा क्या। उसके बाद इंग्लॉट की पेंसिल मैंने 10-15 दिन ही हुए उसको फेंककर, आप लोग इंग्लॉट की पेंसिल ले लोगे 15 दिन के बाद वो पत्थर बन जाएगी, बिल्कुल पत्थर बन जाएगी, आंख में लगेगी ही नहीं। इंग्लॉट का जो बहुत वायरल है, जो सब रिकमेंड कर, एक और जो इंग्लॉट का बहुत वायरल है सब रिकमेंड करते हैं, उसका जेल लाइनर, वो सूख जाता है यार, उसको इस्तेमाल होगा क्रैक्स होकर बंजर जमीन बन जाती है। उसको बंजरपन को ठीक करने के लिए एक और आपको चीज उनकी लेनी पड़ती है, 4,500 की मेरा ख्याल है वो आती है। तो क्या फायदा, इससे आपका लाइनर भी इतना अच्छा लग जाता है। मेरी चाय ठंडी हो जानी है। स्मज भी देखें, क्या जबरदस्त स्मज होती है ये देखें।
ये देखे ब्लैक का पिगमेंट, ये देखे वाइट का पिगमेंट, पिगमेंट। अब जी ग्लो ब्यूटी की अगली चीजों पे आते हैं। अभी वैसे आता कहता ये तुम क्या करी, मैंने कहा एनिमल टेस्टिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की। अच्छा ये व्हाइट पेन से ब्लैक पेन से तो मैंने रिकमेंड कर दिया। दूसरी जो चीज है ना वो ये है सिलिकॉन केस है ब्यूटी ब्लेंडर के लिए। इतना गंदा हो जाता है ब्यूटी ब्लेंडर, इसके अंदर डालो फिर इसके अंदर डालो, साफ सुथरा मिट्टी से पाक। और गीला भी होता है ना, जब हम लोग गीला करके ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरह फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं और इस तरह ही रख देते हैं तो ज्यादा जर्म्स लगते हैं, तो इस तरह भुसेगा भी नहीं क्योंकि इसके अंदर देखिए इस तरह होल्स हैं, खुद ही ड्राई भी हो जाएगा इसके अंदर ही। बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी। जो तीसरी चीज़ मैं इनकी रिकमेंड करूँगी वो है जी बाम। आप लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, आप लोग के बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, आप लोग पलकों पे भी लगा सकते हैं, आप लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। अच्छा जो मेन चीज़ है उसको, मेन चीज़ को हम लोग भूल गए, लिप्स। और सर्दियों की दो टिप मैं आप लोग को एंड पे दूंगी। आप लोगों को कोई भी पेट्रोलियम जेल या इस तरह की बाम चाहिए उसके लिए, और कोई भी आप लोग को इस तरह का स्पंज चाहिए, एंड पे देती हूँ वीडियो के, ठीक है जी। और जो इनकी जो मैंने लास्ट चीज ट्राई की और मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है जी इनका फेस पाउडर। इसका फॉर्मूला भी चोरी करना है हर चीज मैंने चोरी कर लेनी है। इसके साथ आप लोग को स्पंज मिलेगा, ये देखे मैंने यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा है। ओहो इसके साथ आप लोग को मिरर भी मिलेगा, ठीक है। कवर चेक करें आप लोग, ये देखिए कवर चेक करें आप लोग, कहाँ से चेक करवाऊं, आधा फोरहेड करते हैं, ये देखिए ना केकी होता है और कवरेज इतनी अच्छी होती है। ये देखिए ये ऑयली ऑयली, ये मैट भी हो गई है, आप लोगों को नजर आ रहा है, और थोड़ा लगा के दिखाऊं, ये देखिए बहुत जबरदस्त है। हाथ पे लगाते हैं, ये देखिए कितना मेजर फर्क आ गया, ये देखिए दोनों में, एक हाथ को हमने साबुन से धोया, एक हाथ को धोना भूल गए। एक मैं बहुत ही क्लियर आज कहना चाहती हूँ बात आप सब लोग से, खोलती बेटा, कुछ ब्रांड्स को ये बात बुरी भी लगेगी लेकिन जो चीज मैं जिस ब्रांड की रिकमेंड करती हूँ, सपोज के मैंने इस ब्रांड की ये चीज रिकमेंड की है, अगर आप लोग ये लेंगे इसकी टोटल जिम्मेदारी मेरे पे है। अगर ये चीज आप लोगों को गलत है, आप लोग को अच्छी ना लगे, आप लोग को कोई रिएक्शन हो, कोई भी मसला होता है, आप लोग को टूटी हुई मिले, तो मैं आप लोग को मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरे पैसे आप लोग को वापस लेके दूंगी, ठीक है जी, ये मेरा आप लोग से बात है। अगर इस ब्रांड की मैंने ये चीज रिकमेंड किया, आप लोग रैंडम उनके पेज पे जाके कोई और चीज ले लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट के अगर आप लोग को पसंद नहीं आती उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होती। इसलिए मैं क्लियरली बताती हूँ कि ये चीज रिकमेंडेड है, इसका नाम ये है, ये चीज रिकमेंडेड है, इसका नाम ये है। तो इसलिए जी इस बात का ख्याल रखा करें, जो रिकमेंडेड चीज होती है मैं नाम भी अपनी वीडियोस में उन्हीं का ही लेती हूँ और उन्हीं का ही आप लोगों को कहती हूँ। मानो जिसको छोड़ दो बेटे, इसको छोड़ दो मेरी जान, इसको छोड़ दो खराब हो जाएगी, आप जाओ। अच्छा एक मिनट, रिकमेंडेशन का सिलसिला जी खत्म करते हैं। जो चीजें मैंने ट्राई की, रिकमेंडेशन का सिलसिला खत्म करते हैं। अब चलते हैं शादी सीजन की तरफ। कपड़े 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 कपड़े, इतने कपड़े इतने कपड़े, दिमाग घूम जाता है। और जो लोग कहते हैं आप भी आप हमें कपड़े दे दिया कर एक एक दफा पहन के, होता कुछ ये है कि जो ब्लॉगर्स होती है ना वो कपड़े मांगती और फिर मांग के पहन के वापस कर देती है। हमारे कपड़े इतने इतने महंगे, मामा चले जब वीडियो का एंड करते हैं। बापू ने मुझे बताया
बता रहे हैं आप लोग क्या देखना चाहते हैं। आप लोग शादी के कपड़े देखना चाहते हैं। मैंने जो सर्दियों के कपड़े लिए हैं इस दफा ना, मैंने सब कपड़े स्टिच लिए हैं। अनस्टिच लेके जो टेंशन होती है ना दर्जियों की, सिलाइयों की, लेसेस की, और दर्जी जब सूट टाइम पे नहीं देता, उफ, मैं इस टेंशन से गुजरना नहीं चाहती हूँ, खपना नहीं चाहती हूँ। आई एम बिटन, नहीं जान प्लीज। तो आप लोग वो देखना चाहते हो, वो भी मैं आप लोग को सब दिखाऊंगी, मैंने कहाँ कहाँ से और किस तरह शॉल्स मैच करके प्रॉपर 3-3 पीस बनाए हैं। और जी एक और बात मैं एक अच्छी बात कहना चाहूंगी वीडियो में, कि हमेशा हमेशा अपनों से बड़ों की भी इज्जत करें, अपने से छोटे की भी इज्जत करें। अगर हम बड़े हैं हमें हक नहीं है कि अपने से छोटे को किसी को बुली करें, उसकी बेइज्जती करें। इसी तरह जो छोटे हैं उनको भी चाहिए अपने से बड़ों की इज्जत करें। अब छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, 15 चलन जी वीडियो को एंड करते हैं। व्हाइट पेंसिल ये देखिए आंख में भी लगा के दिखा दी है, ये मैंने शीशे में लगाई, शीशे के बगैर लगाई तो सारा ना बालों पे लग गई है, इतनी पिगमेंटेड आई है ये देखिए, क्या जबरदस्त पिगमेंट है इसका। मैं ये भूल गई थी लगा के दिखाना, ये देखिए। चलिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा मेकअप आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा मेकअप चाहिए। दिस इज माई थर्ड क्लास लुक। ओके जी, बाय बाय।